Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 12 of class 10th area related to circle. देखो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मतलब सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है. ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है. ठीक है, ये एंगल है थीटा. तो पहली चीज तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का. ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी आर्क जो है यहां पे क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. अब आप बोलोगे सर इसको काट के लिख देते. देखो काट के इसलिए नहीं लिखा मैंने, क्योंकि देखो थीटा कितने, देखो ये पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री, तो थीटा इज अ पार्ट ऑफ 360 डिग्री और दिस इज अ पार्ट ऑफ 2 पाई आर. तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. ठीक है, अच्छा अगर मेरे को मान लो एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी बेसिकली है ना, एओबी, तो ये होता है थीटा. अब देखो वही कहानी है, थीटा किसके रेस्पेक्ट में है, 360 डिग्री के, और ये जो एरिया है वो किसके रेस्पेक्ट में है, सर्किल के पूरे एरिया के रेस्पेक्ट में. तो यहां पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर. क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर. तो ए लेंथ ऑफ आर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, तो सेगमेंट बना लेते पहले इसको. सेगमेंट बनाने के लिए हमने ए को बी से ज्वाइन किया, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये क्या एरिया कहलाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट. देखो एरिया, ये जो सेगमेंट है इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी माइनस करेंगे. क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, नॉट सेगमेंट, ट्रायंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी. तो हमें सेक्टर का एरिया मिल जाएगा. अब देखो ये जो सारे फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये सिर्फ माइनर सेक्टर के हैं, माइनर आर्क के हैं और माइनर सेगमेंट के हैं. अगर मेरे को मेजर निकालना है तो हम माइनर निकाल लेंगे सबका, और जैसे इसकी बात कर रहे हैं मेजर आर्क की, तो पूरे जो भी माइनर का लेंथ है उसको 2 पाई आर में से हटा दो, बाकी का बचा हुआ आ जाएगा. माइनर सेक्टर का आ गया, मेजर सेक्टर निकालना है तो उसको पाई आर स्क्वायर में से हटा देंगे. माइनर सेगमेंट का आ गया, मेजर सेगमेंट के लिए उसको पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कर लेंगे, क्योंकि एक सर्किल का एक भाग वो है तो दूसरा भाग वो है. ठीक है, तो एक भाग का एरिया ये है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से हटा के सब्ट्रैक्ट करके. क्लियर है यहां तक, क्लियर है, चलें आगे. अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना. क्वेश्चंस लिखो, डायग्राम बनाओ. ये सेंटर है हमारे पास ओ, ये है ए, ये है बी, ये है पी. दिस एंगल इज 30 डिग्री. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री. ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ
करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, इसमें पाई यूज हमें करना है 3.14। ठीक है, हमें क्या करना है, एक तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है और इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, क्या करें, स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या है, यहां पे फॉर्मूला है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है यहां पे, 30 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर कितना है, रेडियस कितना बेटा, 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 4। ठीक है, अच्छा 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री कितना बच गया, 1/12, तो यहां से आ जाएगा 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो हमें मिल गया 3.14 इंटू 4 अपॉन 3। अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा एरिया आ जाएगा हमारे पास 46.1, कितना आ जाएगा, 4.19, सॉरी कितना आ जाएगा, 4.19 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, सेंटीमीटर स्क्वायर बेसिकली ना। ठीक है, 4.19 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, सॉल्व कर लोगे इसको आप, मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, ठीक है इतना आ जाएगा लगभग। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना था, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है क्या, 4.19। ठीक है, अच्छा पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.19, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 46.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली ना। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कर लेंगे। चलें आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें बस सेगमेंट की बात भी कर लेते हैं ना। देखो इस चैप्टर में फॉर्मूले लगाना आना चाहिए, बस और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, है ना, सीधे सवाल आते हैं बिल्कुल सीधे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो अगला, डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये हमारे पास है सेंटर ओ, ये ए है, ये बी है, ये कंप्लीट एंगल हमें 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये वाई है, ये 21 है, ये 21 है, तो लिखो इसमें फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई एक्स, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई एक्स, ये 21 सेंटीमीटर ले लो ना, सेंटीमीटर ए वाई बी, एक्स का को ए वाई बी। ठीक है, यू कैन यूज पाई, यू कैन यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, ये हमें फाइंड आउट करना है। करें स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इस सेगमेंट का एरिया निकालना, मतलब ये एरिया निकालना है, तो इस एरिया के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें सबसे पहले, सेक्टर का एरिया, तो पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा है 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये कटेगा 3 टाइम्स, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 3 बार, तो 22 इंटू 21। ठीक है क्या, इसको आप सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर ये आ जाएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर आपके सामने आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इस ट्राइंगल एओबी का एरिया और चाहिए। जैसे ही इस ट्राइंगल एओबी का एरिया आ गया, वैसे ही हमारा आंसर भी आ जाएगा ना।
तो इस ट्राइंगल को घूरते हैं एक बार। तो ये ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 21 21 का है, ये ए है, ये बी है और ये ओ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। देखो हमें क्या चाहिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, एक तो हाइट चाहिए रहती है और एक बेस, ठीक है। ये पूरा एंगल 120 का है, इस पे परपेंडिकुलर डाला, आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, इसको एम बोल दिया। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री की मदद से अपन ओ एम और ए एम निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? देखो इन ट्राइंगल ए ओ एम, ठीक है, बेस पता करना है, हाइपोटेनियस पता है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, बेस क्या है, ओ एम अपॉन ए ओ, ओ एम अपॉन ए ओ, कॉस 60 होता है 1/2, इज इक्वल टू ओ एम कितना है, ओ एम कितना है, ओ एम तो निकालना है, इज इक्वल टू ए ओ, तो ओ एम आ गया हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर, ओ एम आ गया हमारे पास 21/2 सेंटीमीटर। ए एम निकालने के लिए साइन का यूज कर लेंगे, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए ओ, ए एम अपॉन ए ओ, साइन 60 होता है √3/2, सो √3/2 इज इक्वल टू ए एम कितना है, ए एम तो पता ही नहीं है, फाइंड आउट करना है, ए ओ कितना है 21, तो ए एम कितना आ जाएगा हमारे पास 21√3/2 सेंटीमीटर। अच्छा ए बी जो है वो इसका डबल होगा, ए बी जो है वो क्या होगा, ए एम का डबल होगा, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 21√3 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा, 1/2 × बेस, बेस कितना है ए बी, ए बी इंटू हाइट, हाइट कितना है ओ एम, तो यहां से आएगा देखो 1/2 × 21√3, ठीक है क्या, इंटू ओ एम, ओ एम कहाँ है 21/2, सो ये आ गया हमारे पास, तो 21 × 21 होता है 441/4√3, तो ये आ गया हमारे पास 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट, सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, सेक्टर का एरिया कहाँ है बता दिया गया, ये रहा 462 माइनस 441/2√3, और ये आ गया पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉल्व कर लेना इसको, √3 का वैल्यू ले लेना, 1.7 समथिंग समथिंग कर लोगे, कर लेंगे। तो यस, इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे कि हाउ वी डील इफ वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर, है ना, शेडेड पार्ट का एरिया वाला बात, ठीक है। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, बाय।